अभी हम ये सब ड्राई फ्रूट को संतरा के रस में डाल देंगे। यह में है काजू, किशमिश, दो दो किस्म का किशमिश है, एक ब्लैक किशमिश है, एक रेड किशमिश है, और क्रैनबेरीज है, बादाम है, और वो चार मगज है। अभी इसको संतरा के रस में भिगो के रख देंगे। जितना देरी भिगो के रखेंगे उतना ही केक अच्छा बनेगा। अभी मैं इसे भिगो दे रही हूँ। ऐसे संतरा के रस में भिगो के रख दूंगी, फिर इसे केक में डालूंगी। केक बनाने के लिए मैंने हाफ कटोरी चीनी ले लिया है, इसे अभी मैं कैरेमलाइज कर लूंगी। अभी मैंने चीनी को कैरेमलाइज करने के लिए कढ़ाई में डाल दी हूँ, इसमें कोई पानी नहीं डाल रही हूँ। अभी ये अभी चीनी पिघलने लग गया है, देखिए चीनी पूरा गल चुका है। अभी थोड़ा सा इसमें पानी मिला दूंगी। डालने के बाद 1 मिनट पका के फिर नमक उतार लूंगी। मैंने कुकर बैठा दिया है, उसमें नमक डाल दे रही हूँ प्री हीट होने के लिए। 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम में बैठा दे रही हूँ। मैंने कुकर में नमक डालकर बैठा दिया है। ये नमक पहले का यूज़ किया हुआ नमक है, 1 किलो नमक है इसमें मैंने, और स्टेन भी बैठा दिया है ये प्री हीट होने के लिए। 10 मिनट तक प्री हीट कर लूँगी मीडियम फ्लेम में। मैंने जो सुबह संतरा का रस भिगाया था उसमें अभी चेरी और खजूर भी मिला के भिगा दे रही हूँ। मैंने हाफ बाटी बटर ले लिया है फ्रूट केक बनाने के लिए। इस बटर को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। मैं हाफ ग्लास दूध ले ली हूँ, दूध को भी बटर के साथ मिक्स कर दूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी मैं मैदा ले ली हूँ एक बाटी, उससे मैं छलनी से छान के बटर और दूध के मिक्सचर में मिला दूँगी। अभी मैं मिल्क पाउडर इसी में मैदा में मिला दूँगी, इससे टेस्ट अच्छा होता है। वो छलनी से नहीं हो रहा था इसलिए मैंने दूसरा छलनी ले लिया है। मिल्क पाउडर मैंने 10 रुपये वाला पैकेट जो होता है उसी को ले लिया है, एक पैकेट। अभी मैंने पाउडर ले लिया है लौंग, इलायची और दालचीनी का, इसे भी छलनी से छान के डाल दूंगी। अभी मिक्सचर को अच्छे से मिला लूंगी। मैंने जो शुगर सिरप बनाया है उसे डाल दूंगी। इसको भी अच्छे से मिला लूंगी। कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिलाना पड़ेगा। जो मैंने संतरा का रस में ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखा था उसे भी डाल दूंगी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। क्रिसमस केक में जितना भी आप लोग ड्राई फ्रूट्स डालेंगे उतना ही केक अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा। अगर ये आपको बटर जो बनाया है इसको अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप अपने हिसाब से दूध मिला लीजिएगा थोड़ा पतला होने के लिए। मैं भी मिला दे रही हूँ थोड़ा सा दूध, थोड़ा घना हो गया इसीलिए।
मैं केक टिन को बटर से ग्रीस कर ले रही हूँ। मैंने जिस टिन में बटर मिक्स किया था उसी में थोड़ा सा मैदा भी ग्रीस कर लूँगी। मैदा बचेगा उसे गिरा दूँगी। मैं एक चम्मच बेकिंग पाउडर छलनी से छाल के डाल दूँगी एकदम लास्ट में, और हाफ चम्मच बेकिंग सोडा छलनी से छाल के एकदम लास्ट में इसको भी मिला दूँगी। लास्ट में इसको मिलाना चाहिए। अभी थोड़ा सा पानी मिला दूँगी और मिक्स कर लूँगी फिर से कट एंड फोल्ड मेथड से। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा देने के तुरंत ही आप लोग तुरंत बाद ही जल्दी से बैठा दीजिए। अभी मैं केक टिन में इसे डाल दूँगी। उसके बाद इसे टेप कर लीजिए। इनके लिए थोड़ा सा काजू दे दे रही हूँ ऊपर में बेक करने से पहले। आप लोग चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट्स ऐसे डेकोरेशन के लिए दे सकते हैं। प्री हीटेड कुकर जो की थी 10 मिनट के लिए उसमें केक को बेक करने के लिए बैठा दे रही हूँ। गैस का फ्लेम एकदम मीडियम से रखा है, आप लोग भी मीडियम से रखिएगा। और ये बेक करूँगी 45 से 50 मिनट तक बेक हो जाएगा। कुकर का ढक्कन लगा दूँगी लेकिन उससे पहले सीटी और रबर को निकाल के रख दे रही हूँ। अभी मैं इसको ऐसे रख दूँगी। अभी 45 मिनट्स हो गया है, मैं अभी कुकर को खोल के देखूँगी केक पका है कि नहीं। खुल जा रहा सिम, देखती हूँ क्या बना है केक। देखिए फ्रेंड्स, फ्रूट्स केक मेरा बन के तैयार हो। मैं चाकू की हेल्प से घुसा डाल के देखती हूँ ये पक गया है क्या अंदर। अगर ये साफ साफ आ जाएगा तो ये पक गया है। अभी नहीं पका है ये, और थोड़ा पकेगा। ये देखिए थोड़ा कच्चा है, इसको मैं और 5 मिनट के लिए ढक के होने दूंगी। इसे मैं लगा दूंगी।